नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। छत्तीसगढ़ में संजीवनी 108 और 102 के कर्मचारी सरकार के खिलाफ वादा निभाओ रैली 23 जुलाई को करने वाले हैं। आपको बता दें 108 और 102 के कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जीवे की कंपनी 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों से श्रम नियम के विपरीत 12-12 घंटे कार्य कराया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार का ओवर टाइम यानी कि अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है। इनका कहना है कि विरोध करने पर इन्हें दूरस्थ जिले में स्थानांतरण कर दिया जाता है या नौकरी से ही बाहर निकल दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारीगण दबाव में आकर कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें इन समस्याओं को लेकर विगत वर्ष माह जुलाई 2018 में कर्मचारी संघ द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं मन से प्रथा एवं प्लेसमेंट पर रोक लगाने के लिए आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के अन्य उम्मीदवारों द्वारा संघ के समस्त आंदोलन का समर्थन किया गया था, लेकिन सरकार बनने के 8 महीने के उपरांत समस्त आश्वासन एवं वादों को भुला दिया गया है। आंदोलन स्थगित करने के पश्चात कार्य पर वापसी हेतु जीवे की कंपनी द्वारा समस्त कर्मचारियों में से एक शपथ घोषणा पत्र भराया गया था। कर्मचारियों द्वारा उक्त शपथ पत्र भरने के बाद कंपनी द्वारा कुछ कर्मचारियों को ही कार्य वापसी की गई, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद अभी तक 550 कर्मचारियों को कार्य पर नहीं वापस लिया गया है। पिछले एक साल से हमारे जो 550 कर्मचारी हैं वो आज भी बाहर हैं, उनको पुनः अपने पद स्थापना दिया जाए और सरकार इस योजना को स्वयं से संचालित करें, न्यूनतम वेजेस लागू करें, समान काम समान वेतन जो लागू होता है उसको दिया जाए, जो कर्मचारियों को एम्बुलेंस सर्विस से संबंधित जो सुविधाएं लाभ है उनको मिला जाए। इन सभी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हमारा कल वादा निभाओ रैली रखा गया है। सरकार से उम्मीदें हैं, माननीय भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़िया और हम लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया के पीड़ा को समझते हैं। उम्मीदें हैं सरकार से कि उन्होंने जो वादे किए उन वादों को निभाना है, उसी के लिए हमारा कल का वादा निभाओ रैली रखा गया। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।